शीतल भंडारे केबीके कृषि विद्यालय स्वप्न छह वर्ष है केवल घोषणा से सीमित राज्य द्वितीय कृषि विश्वविद्यालय 2014 बेलर निर्वाचन इस्तहार केबीके अंचल द्वितीय कृषि विद्यालय हो उल्लेख कर शासक दल एपरिक 2015 तत्कालीन कृषि मंत्री प्रदीप महारथी भवानीपाटनारे कृषि महाविद्यालय को विश्वविद्यालय परिणत होवर्त समय राज्य सरकार एने ना कौन पदक्षेप ने ना 2014 पर विधानसभा उपस्थापित कौन बजेट्रे व्ययपराध है चलित थर बजेट्रे कृषि विद्यालय पर राज्य सरकार टंकाटे भी देना गत जानुरी 14 में कलाहांडी मुखीगुड़ा पार्वतीगिरी बृहत उठा जलसेचन प्रकल्प शुभ देते सेठारे पूर्व प्रतिश्रुति कथा मने पकाई नथिले राज्य मुखिया तेणु केबीके अंचल राज्यर द्वितीय कृषि विश्वविद्यालय संभावना धीरे धीरे मोलिबा लगी तेज पश्चिम ओडिशार विकास पर राज्य सरकार आदौ आंतरिकता नहीं अभियोग कर विरोधी आज पर्यंत बजेट्रे गत बजेट्रे भी किसी द्वितीय कृषि विश्वविद्यालय बजेट ना प्रावधान करा जाएगी ना किसी तापरे कहा जाए तो आमर ये डिमांड रे जिते बड़े भी द्वितीय कृषि विद्यालय हम निश्चित भाव में वेस्टर्न ओडिशा रे ही हो संभवतः बलांगीर रे हो यहाँ मोर डिमांड रे बारंबार ये बाबद आवाज उठाइले भी आश्चर्य कथा आमर जोटा मुख्य अच्छी बारंबार दावी होची कृषि विद्या कृषि विश्वविद्यालय से बाबद भी बलांगीर हो बोली आम बारंबार दावी करुचु से बाबद भी राज्य सरकार किसी कही ना यही बजेट्रे पश्चिम ओडिशावासी को एवं केबीके जिलावासी को सरकार पूरा पूरी निराश्य कर अनेपटे केबीके विश्वविद्यालय ने बीजेडी सांसद सुजीत कुमार को प्रश्न करिवारु से प्रसंग को एड़े पश्चिम ओडिशा रे विगत 20 वर्ष भितर अनेक विकास होईछि चासी को नहीं बीजेडी रो स्पष्ट आभिमुख्य रही बोली सुजीत कहते बीजेडी स्पष्ट आभिमुख्य रही जो फार्म बिल अच्छी आम फार्म बिल को पार्लियामेंट अपोज करूँ कहीं सब दाबी रही कि चाषी को एमएसपी रो 1.5 प्रोडक्शन कॉर्डिनेशन कमिटी जो कही तेणु आम चाषी को लेकिन चाषी प्रति सब नवीन सरकार मानते ये रही आशीर्वाद रही तेणु आम चाषी को लेकिन के राजनीति करूँ चाषी हित ही सब बीजेडी सरकार काम कर केबीके अंचल कृषि विश्वविद्यालय स्थापन करने राजनैतिक स्तर ठू बुद्धिजीवी महले अनेक थर दावी होती किंतु सरकारी उदासीनता कारण अंचलवासी आशा और स्वप्न केबे पूर्ण होश्चितता घेर भुवनेश्वर प्रदीप्त महापात्र रिपोर्ट अर्गस न्यूज।